subscribe now for all the latest and trending updates. चलिए भाई फाइनली कंटेस्टेंट नंबर 11 की भी बात कर लेते हैं जो कि है राहुल वैद्या। खैर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंटरन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। राहुल वैद्या की काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार इंटरव्यू ही, काफ़ी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने गाने गाए, लेकिन इसके अलावा कलर्स टीवी ने भी उनका इंट्रोडक्शन दिया। कलर्स टीवी ने लिखा, चेहरे पर नूर और आवाज़ में जादू, क्या इनके रहने से हो जाएंगे बाकी के घर वाले बेकाबू? ज़रूर हो जाएंगे। राहुल वैद्या जो कि स्टनिंग सिंगर हैं, जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि इनको बिग बॉस काफ़ी पहले से ऑफ़र हो रहा है, बहुत सारे सीजन्स इनको ऑफ़र हुए हैं, लेकिन अपने लाइव शोज़ के चलते ये बिग बॉस का हिस्सा नहीं बन पाए थे। इस साल उनके पास ज़्यादा लाइव शोज़ नहीं थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना बिग बॉस सीज़न 14 ही कर लें, और भाई आ गए वो बिग बॉस सीज़न 14 में। आते ही उनको घर के अंदर भी भेज दिया गया। जी हाँ, सीनियर्स ने उनको रिजेक्ट नहीं किया, सीनियर्स ने उनको घर के अंदर भेज दिया। घर के अंदर वो गए और साथ ही साथ उनको एक टास्क भी सीनियर ने दिया कि उनको अपने गाल पर किसी लड़की से किस लेना है। अब ये टास्क पूरा हुआ है नहीं, आज के दिन पता लग जाएगा, लेकिन राहुल वैद्या की एंट्री से सबको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। सभी ये आस लगाकर बैठे हैं कि ये भी शो में एंटरटेनमेंट प्रदान करेंगे, अपनी मधुर आवाज़ में लोगों को गाने सुनाते रहेंगे। इसके अलावा क्या कुछ होता है इनकी एंट्री के बाद बिग बॉस सीजन 14 में, देखना वाकई में दिलचस्प होने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हैं इनकी एंट्री के बाद, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल इंटर न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।